नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल और इसी टेक्नोलॉजीज में, जिसमें मैं आपको सिखाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या कंप्यूटर फोन से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल बातें जो हमें सीखनी ज़रूरी है या फिर हमें आनी चाहिए। तो गाइज़, आज मैं आपको बताऊँगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो थर्ड हमारा पॉइंट है जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं, पेज लेआउट। तो पेज लेआउट के अंदर अगर आप आके देखते हैं तो फर्स्ट आपका टॉप आता है थीम्स, कि हम थीम्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको एक रिंग की तरह बेल सुनाई दे और आप उसको देख सकें। और गाइस, देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ या किसी भी अपने कलीग के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को सीख सकें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीख सकें या कोई भी टेक्निकल बातें जो हमारे चैनल में सिखाई जाती है वो उनका लाभ उठा सकें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे पेज लेआउट के अंदर थीम्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइस, चार चीज़ें आपको इसमें दिखाई दे रही होगी, थीम्स, कलर्स, फॉन्ट्स एंड इफेक्ट। इसमें सिर्फ एक ही बात जानने वाली है, आपके पास कोई भी डेटा पड़ा हुआ है उस डेटा का थीम अगर आपको लगाना है स्टाइलिश, अगर आपको थीम चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, ये याद रखना पड़ेगा आपको, जो थीम्स यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और डालेंगे वो थीम हमें सिर्फ एक कंपैरेटिवली थीम्स दिखाएगा, यानी आपके डेटा के अंदर ऑलरेडी कोई कलर पड़ा हुआ है उसका कंपैरिजन करेगा, यानी कि उसको उसे कंपैरेटिवली आपको कोई एक कम्बिनेशन कलर दिखाएगा कि आप ये वाला कलर सेट कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। मैंने इस कलर को यहाँ पे लगा रखा डेटा के बीच में, इस डेटा के अंदर तो मैं थीम्स पाया। तो देखिए गाइज, मैंने यहाँ पे इसको रोल ओवर किया, किसी पर भी मैं लेके जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे दिखाया कि आपने जो कलर डाल रखा है उसके कम्बिनेशन के हिसाब से हम ये वाला कलर लगा सकते हैं यहाँ से। तो जो मैं सिलेक्ट करूँगा ये डाल सकता है, देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे कलर्स पे आऊँगा, मैं कलर जो डालना चाहता हूँ वो कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना आपको कम्बिनेशन दिखाएगा। ठीक है, आपने जो ऑलरेडी कलर ले रखा है उसके कम्बिनेशन में आपको कलर दिखाएगा, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देख रहे हो कि यार इसके अंदर बहुत सारे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो गाइज, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये जो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं इसने काफ़ी सारे बॉक्सेस मीन्स काफ़ी कलर्स को मिला के एक कलर बनाया है, जिसको हम कहते हैं ऑफिस या ग्रे स्केल, या फिर यहाँ पे जितने भी आपको कलर दिख रहे हैं वो सारे के सारे इन सारे कलर्स को मिला के। तो आप पर्टिकुलर कोई कलर कलर अगर सेलेक्ट करते हैं और उसको फिल करना चाहते हैं वो काम नहीं करेगा, ये सारे का सारा कम्बिनेशन है जो कि एक कलर की तरह काम करेगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि घरों के अंदर हम जो कलर कराते हैं वो कलर हम स्टोर से लेके आते हैं, तो स्टोर वाला कैसे देता है, स्टोर वाला यहीं से उसको कलर को कंपैरेटिवली देखता है कि कौन सा कलर बनना चाहिए, तो यहाँ से सारे कलर्स चेक करता है और मिला के उसका एक नाम देता है और वो कलर आपको देता है। देखिए गाइस, तो ये तो था कलर्स के बारे में। अब हम देखेंगे, इस डेटा को मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया, अगर मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है तो मैं फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे आके, यहाँ पे आया, देखिए फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी फॉन्ट लगा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इफेक्ट्स के अंदर अगर आप आके देखते हैं तो इफेक्ट्स आपको दिखाई देंगे। इफेक्ट्स मतलब जिस कलर को आप सिलेक्ट करेंगे, जिसको भी सिलेक्ट करेंगे उसके स्टाइल्स के आप से आप उसके स्टाइल के हिसाब से आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, या फिर इस डेटा के साथ आपने कोई भी एक शेप लगा रखा है, कोई भी जैसे हाइपरलिंक लगा रखा है कोई भी, तो उसको अगर कलरफुल करना है तो ये यहाँ से कलर भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, अब गाइज जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने डेटा में ऑलरेडी कलर डाल रखा है तो उसी के कलर का कम्बिनेशन आपको दिखाएगा। लेट सपोज अगर मैं यहाँ से वापस जाता हूँ, कलर को नो फिल कर देता हूँ, मैं कलर हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कलर हटा दिया, अब मैं डेटा को सिलेक्ट करता हूँ तो अगर मैं जाकर देखता हूँ क्या अब वो ये काम करेगा, देखते हैं। तो गाइज देखिए, हल्का फुल्का स्टाइल चेंज करेगा बट कलर नहीं डालेगा, इसका मतलब सही है जो मैंने आपको बताया कि एक कम्बिनेशन दिखाएगा आपको। अगर आपका ऑलरेडी कलर डाला हुआ है तो कम्बिनेशन दिखा देगा, नहीं डाला हुआ है तो आपको ये कोई भी कलर नहीं दिखाएगा। तो गाइज आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने कलीग्स के साथ और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।